वेलकम बैक टू हेल्दी मॉर्निंग. हम बात कर रहे हैं मिथ्स एंड फैक्ट्स रिलेटेड टू फास्टिंग. वो सारे हमारे वहम और तोमा जो हम फास्टिंग से रिलेट करते हैं और एक्चुअली में फैक्ट्स क्या हैं. अच्छा, यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, और वो इंपॉर्टेंट चीज़ बचपन से हम सब ने ऑब्जर्व की है. जब जानवर थोड़ा सा बीमार होता है, उसके पेट में दर्द होता है या उससे कोई उसके साथ उसको चोट लगती है कुछ ऐसा, तो द फर्स्ट थिंग जो जानवर करता है वो अपना खाना पीना बंद कर देता है, जिससे हम परेशान हो जाते हैं. हम इधर ले जा रहे हो, उधर उधर ले जा रहे हो, तो इसको ये कर लो, उसको वो खिला दो, उसको वो खिला दो. खाना पीना आपको पता है वो क्यों बंद करता है? क्योंकि उससे उसकी हीलिंग अच्छी होती है. जो एनर्जी वो खाना पीने में डाइजेस्ट करने में लगाता है, वो एनर्जी उस वक्त हीलिंग में लगाता है. ये उसका नेचुरल मैकेनिज्म है. और हम लोग क्या करते हैं जब हम बीमार पड़ते हैं? ज़्यादा कर देते हैं और जाते हैं ये भी ले आएँ वो भी ले आएँ, और परहेजी खाना बन रहा है जी. उसके नाम पे एक बिल्कुल टेबल भरा होता है, मरीज़ के लिए खाना बन रहा है जी. तो उससे हमारी बजाय ये कि जल्दी रिकवरी के, मेरे ख्याल में ज़्यादा हम डिले हो जाती है. हाँ, एग्जैक्टली. तो अब आप ये देखिए कि भूखा रहना कितना ज़रूरी है. भूखे रहने से आपका दिमाग का जो कंसंट्रेशन लेवल होता है वो बढ़ता है, कम नहीं होता है. एग्जैक्टली. और बल्कि जो अक्सर मेंटल डिसऑर्डर्स हैं वो फास्टिंग से वो आप उनको क्योर कर सकते हैं. ठीक है. वहाँ रशिया में एक 1972 से एक इंस्टीट्यूट है जो कि फास्ट थेरेप्यूटिक फास्टिंग के नाम से वो, और अक्सर वो शिजोफ्रेनिया के पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं. ठीक है. और उन्होंने 72 तक मेरे ख्याल में 5000 पेशेंट्स को किया, फिर 90s तक उनकी 10,000 पे आ गई फिगर. और वो क्या करते हैं थ्रू फास्टिंग. शिजोफ्रेनिया आपको पता है बहुत एक बड़ा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, बड़ा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसमें इंसान के रियलिटी कॉन्टेक्ट में भी नहीं रहता, अपनी खबर नहीं होती. ठीक है. तो उससे वो सही होता है. तो उसकी वजह क्या है? इसके आपका आपके ब्रेन से, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, न्यूरोट्रांसमीटर से उसका रिलेशन है. ठीक है. वो अच्छा हेल्दी फंक्शनिंग करते हैं, अच्छी वो फंक्शनिंग कर रहे होते हैं. और बाकी जो लोनलीनेस का मसला है, फियर है, या एंग्जाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, डिप्रेशन है, बोर्डम की जो फीलिंग्स होती हैं, उनको भी आप इसके ज़रिए से कंट्रोल कर सकते हैं फास्टिंग के ज़रिए. ठीक है. तो क्योंकि साइकोलॉजिकल क्योंकि साइकोलॉजिकल इशू जो है वो कहाँ से आता है? हमारे माइंड से, हमारी जो उसके बारे में वैल्यूएशन है. ठीक है. और अक्सर डिप्रेशन के जो पेशेंट होते हैं वो सुसाइड भी करते हैं, उसकी तरफ जाते हैं. तो इससे आपके स्पिरिचुअल एक आपकी जो है पर्सनैलिटी वो भी एक डेवलप हो रही होती है. तो आप देखते हैं स्पिरिचुअल मजबूती आती है, वो मजबूती आती है, काबू करने आती है चीज़ें. बिल्कुल. तो आप अपने फियर को वो है वो कंट्रोल कर लेते हैं. ठीक है. आप अपने जो है लोनलीनेस फील करते हैं वो देखता है कि हाँ जी ठीक है. एक बंदे ने, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट तो है कि मरना है, सब ने एक दिन जाना है, लेकिन जब बंदा रोज़ा रखता है, इबादत करता है, सारा दिन बिजी रहता है उसमें, ठीक है, तो वो उसको सेटिस्फेक्शन होती है कि मैंने अपना जो है रसद साथ ले लिया है, मैं जाऊँगा तो मेरे साथ होगा, रोज़ा होगा, मेरी दूसरी इबादत होंगी जो कि मेरे लिए बख्शिश का बायस बनेंगी, अल्लाह ताला मुझे इनकी बुनियाद पर बख्शेगा. ठीक है. तो इसका रिलीजन से बहुत एक गहरा ताल्लुक है, हमारी साइकोलॉजी का, हमारी नफ्सियात का. और क्योंकि कुरान पाक ने भी इसको बड़ा वाज़े तौर पे बताया हुआ है, और उसी हदीस में भी बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिनमें इसका इलाज मौजूद है, ना सिर्फ दूसरे हमारे फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर का बल्कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का भी मौजूद है. ठीक है. ओके. तो इसका बहुत एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन है. तो वो आपको हेल्दी फंक्शनिंग में वो मदद देता है. तो जिस तरह हमने देखा रिसर्चेज, आपने भी बहुत सी देखी होंगी. अच्छा, जिसमें है माइंड आपका क्लींस हो जाता है. एक रिसर्च मुझे पता है कि ओवर ईटिंग से नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं. राइट. आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट दैट रिसर्च. आपको शायद पता ही है. ओवर ईटिंग जो लोग बहुत खाते हैं वो नेगेटिव होते हैं अपनी लाइफ में, अपनी अप्रोचेस में. बिल्कुल बिल्कुल. मतलब अब इसका मतलब आप जितना कम खाएंगे उतना आप लाइफ के बारे में और अपनी अप्रोचेस में पॉजिटिव रहेंगे. बिल्कुल. और जितना आप मुनासिब खाएंगे उतना आप पॉजिटिव रहेंगे. जितना आप ज़्यादा खा लेंगे, क्योंकि ज़्यादा खा लेंगे तो आप फिर वो उसको सही से डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे सही. अब मिसाल के तौर पर हमें आपको एक काम, जैसे हम वर्क प्लेस पे होते हैं, ठीक है, आपको ज़्यादा काम दे दिया जाए, ठीक है, आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा, तो उस वक्त आप लाजमी सी बात है अच्छा फील नहीं करेंगे, बोलेंगे मैं कैसे ख़त्म करूँ. इनिशियली नहीं हो पाएगा. ठीक है. तो इसी तरह हम अपनी बॉडी को अगर ज़्यादा चीज़ें दे दें, ज़्यादा खाना दे दें, तो बॉडी भी परेशान हो जाएगी कि हाँ ये कहाँ से आ गया, इसको कैसे मैं कंज्यूम करूँ. ठीक है. क्योंकि बॉडी की कैपेसिटी है डाइजेशन की या उस चीज़ों को कंज्यूम करने की, तो वो चीज़ें फिर जो प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाता है. हाँ, मतलब आप रेस्ट दे रहे हैं ना उसको, जरा रेस्ट करो जी, एक महीने तक रेस्ट करो. और वैसे भी
अगर हम इसको रिलीजियसली भी देखें तो होता ये था कि जो हम लोग आज तक सुनते आ रहे हैं कि जहाँ पे हमारे सारे जो आपको पता है हमारे सारे उलमा किराम और हज़रत सब जब वो ज़रा सा परेशान होते थे, किसी टेंशन में आते थे, कोई डिप्रेशन होने लगता था या कुछ भी ऐसा होता था, तो फर्स्ट थिंग दे यूज़ टू डू यूज़ टू फास्ट।